हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, हर बार फोन फिक्स हैदराबाद की टीम आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर आती है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए ओप्पो A83 की एमएमसी चेंज का प्रोसेस। हमने यहाँ पे बताया है कि फुल प्रोसेस है, विदाउट स्किप किए हमने A to Z बताया है आपको कैसे हमने इसमें काम किया है। दोस्तों, जो एमएमसी चेंजिंग के वीडियोस के लिए काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर प्रोसेस बताइए। ये जो वीडियोस है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब के फॉलोअर्स, फेसबुक के फॉलोअर्स और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं उनके लिए हम सोल्यूशन के वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, बहुत सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आते हैं नीचे के, सर सिक्योरिटी तो आपने बनाई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, हम सिर्फ आपको एमएमसी चेंज का प्रोसेस बता रहे हैं कि एमएमसी चेंज भी हो जाती है लेटेस्ट सेटों में। अगर आपको सिक्योरिटी वगैरह का सीखना है तो फोन फिक्स हैदराबाद की टीम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है IMEI वगैरह के काम को, क्योंकि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ये टोटली इलीगल वर्क है। तो आप भी बिल्कुल मत करिए। मैं सजेस्ट करता हूँ सारे मेरे उन टेक्नीशियन भाइयों से कि सिक्योरिटी का काम बिल्कुल मत करिए। मोबाइल के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है, आप जो हैंग ऑन लोगो है वो बनाइए, 90% कंज्यूम बनाइए, डेड वुड रिपेयर बनाइए, रीस्टार्ट वाले हैंडसेट को बनाइए, शॉटिंग वाले सेट बनाइए, डेड मोबाइल्स बनाइए, जितने भी सेक्शन से लाइट, चार्जिंग, ग्राफिक, नेटवर्क, ऑडियो, इतने सारा काम मोबाइल के अंदर है वो छोड़कर हमारे बच्चे सिर्फ सिक्योरिटी के ही ऊपर जाते हैं। तो उन सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा कि सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान मत दें, आप काम को सीखिए, काम करने का तरीका सीखिए। आपके पास कोई भी सेट आए तो आप उसे बनाकर ही देना है आपको। इसके लिए आपको एक प्रॉपर एक नॉलेज चाहिए, प्रॉपर टीचर चाहिए, प्रॉपर एक अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए जो आपको एक अच्छे लेवल पे ट्रेन कर सकता है, वो है फोन फिक्स हैदराबाद। इंडिया के अंदर बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे बच्चों से सिर्फ हम थ्योरी पढ़ा के नहीं भेजते हैं, जहां पे हम हैंड स्किल के काम के साथ साथ सर्किट डायग्राम की भी नॉलेज देते हैं। 2 से 3 घंटा सर्किट डायग्राम की नॉलेज देते हैं और 8 घंटा हैंड स्किल का काम कराते हैं ताकि वो कोई भी IC खोलने से डरे नहीं। आप देखिए जाकर के फोन फिक्स हैदराबाद के चैनल पे बच्चों ने कितना अच्छा काम किया है, और उनके फेसबुक पेज पे जाके देखिए, हमारे फोन फिक्स के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जाके देखिए कितने अच्छे लेवल पे बच्चे काम कर रहे हैं। यही एक रीजन है फ्रेंड्स, ये वीडियो डालने का यही एक मकसद है कि फोन फिक्स हैदराबाद की टीम बहुत ही अपडेट है। हम कुछ रीजन है हमारे जो कि हम सोल्यूशन फेसबुक पे या यूट्यूब पर नहीं डाल सकते, यही एक कारण है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना कॉपी कर लेते हैं, तो इसीलिए हम सॉल्यूशंस के वीडियो नहीं डालते हैं। हम जो चीजें साल भर, 1.5 साल पहले 2 साल पहले हम जो चीजें देख चुके हैं वो यूट्यूब पर अब आ रही है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं आप लोग। तो ऐसी बात है कि जो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं उनको हम हर चीज बताकर भेजते हैं, जितना भी PCB लेटेस्ट PCB में कोई भी एक नई IC दिखती है तो वो भी हम बच्चों को बता के भेजते हैं, चाहे फास्ट चार्जिंग हो या फिर अभी 2 चार्जिंग IC आ रही है लेटेस्ट हैंडसेट में, वो भी हम बच्चों को बता के भेजते हैं कैसे वो काम कर रहा है। एकदम हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनको प्रो लेवल की ट्रेनिंग देते हैं, एकदम प्रोफेशनल टाइप में वो काम करते हैं, एक प्रोफेशनल लेवल में वो सीखकर यहाँ से जाते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको सिर्फ और सिर्फ एमएमसी चेंज का प्रोसेस बता रहे हैं, तो आपको अच्छा लगे तो देखिए, अदरवाइज ये उन सारे बच्चों के लिए है प्रोसेस जिनके पास हैंडसेट आते हैं वो रिपेयर नहीं कर पाते हैं, उनके सेट वापस जा रहे हैं, इसके आगे का प्रोसेस वो किसी भी तरह से वो कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल चैनल पे हम इलीगल चीज बता नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो आप भी मत करिए। हमारा भी यही एडवाइस है कि इलीगल काम बिल्कुल मत करिए, जो लीगल है उसे काम करिए, हैंग ऑन लोगो वाले सेट बनाइए, फ्लैशिंग करिए, प्रोग्रामिंग करिए, रिपार्टीशन करिए, या फिर डेड बोर्ड रिपेयर वाले सेट्स को बनाइए। और इस वीडियो का बनाने का यही मकसद है कि फोन फिक्स हैदराबाद की टीम कितनी अपडेट है, और ओनली एमएमसी मीडिया टेक में बहुत सारे हैंडसेट में हम चेंज कर सकते हैं, सबका एक अलग तरीके का प्रोसेस होता है जो कि आपको क्लास में सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट बैच हमारा 5 मई से है, अगर आप चाहे कॉल करके अपनी सीट बुक करा लीजिए, लिमिटेड सीटें हैं। अगर आपको एक प्रो लेवल का टेक्नीशियन बनना है, अच्छे लेवल पे काम करना है, तो आज ही ज्वाइन करिए फोन फिक्स हैदराबाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारा हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। जुड़े रहिए फोन फिक्स हैदराबाद टीम के साथ, और जितने भी हमारी YouTube की फैमिली है या Facebook की फैमिली है या मेरे WhatsApp के जो मेरे भाई लोग हैं, सबसे मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, आपके लिए एक नए नए वीडियोस में लाता रहूंगा।
मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और ये वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत कुछ सीखने आपको मिलने वाला है। आप देख रहे हैं आज हमारे पास ओप्पो का A83 हैंडसेट है, और इसमें प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, इसमें EMMC का प्रॉब्लम है, और इस हैंडसेट में हम अभी लाइव आपके सामने EMMC को चेंज करेंगे, कंफर्टेबल EMMC लगाएंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे आपको EMMC चेंज करना है। एक बार मैं चार्जर लगा के बताना चाहूंगा आपको, कोई लोगो वगैरह यहाँ पे नहीं लेगा जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी EMMC ही डेड है। ठीक है कोई एम्पियर नहीं है, ठीक है निकाल। तो सबसे पहले हम PCB को यहाँ से निकाल लेते हैं फोल्डर में से, और ये वीडियो आप देख रहे हैं फोन फिक्स हैदराबाद की तरफ से, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हर दिन हम एक नया सोल्यूशन लेकर आते हैं आपके यहाँ पे। एक बार PCB में आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा शील्ड है, पैक है, कोई यहाँ पे काम किया हुआ नहीं है PCB में। चलिए सबसे पहले इसका शील्ड रिमूव कर लेते हैं, और उसके बाद इसका IC खोलेंगे, क्लीन करेंगे, और हम जो IC यूज करने वाले हैं इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला IC यूज करेंगे, इसके हैनिस का हमारे पास एक IC है। नंबर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, BHTQ17ABJTM, B13A, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला IC यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने लिया है अभी 5A में से, Redmi 5A में से। सबसे पहले PCB को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद इसमें भी SK Hynix का EMMC है। ठीक है, इसमें भी SK Hynix का है, लेकिन नंबर क्या है थोड़ा सा बताओ ऊपर करके। इसमें सर H9TQ26 है, और इसमें 17 है। ठीक है, इसमें 26 है, और जो लगा के अभी ऑन करेंगे हम ये ऑन करेंगे 17 ABJ, लास्ट में 813 है, और उसमें 814A है, आप कंपेयर करके देख सकते हैं, 813A और उसमें है 814, तो हम 814 निकालेंगे और 813 इसमें डालेंगे। चलिए, तो वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे आपको काम करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले साइड का शील्ड जो है पतरा है निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम इसे कनेक्ट करेंगे जेटैक बॉक्स के साथ, और जेटैक से फुल प्रोग्रामिंग करेंगे इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है इजी जेटैक प्लस, और इसी से इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। ये जो शील्ड निकालना है बहुत एहतियात से आपको निकालना है, IC को डैमेज नहीं करना है, बोर्ड को डैमेज नहीं करना है, पास में जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं निकालना है, बहुत ध्यान से आपको रखना है, क्योंकि इस शील्ड निकालने में बच्चे सेट को डेड कर देते हैं, कंपोनेंट मिसिंग कर देते हैं, या बोर्ड को बेंड कर देते हैं, या CPU वगैरह के पास CPU या फिर EMMC को डैमेज कर देते हैं, तो ध्यान से काम करना है आपको। ये सब सीखना है, आप आ सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद, डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, कॉल करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट बैच 5 मई से हमारा नेक्स्ट बैच है, जिसका बुकिंग चल रहा है अभी, अगर आप चाहें तो आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। बस आपको EMMC उठाना है, तो वहां तक ही कट कर लेंगे इसको, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा शील्ड निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है, पूरा शील्ड निकालने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले साइड ग्लू कट करते हैं इसका, तो जैसे कि फ्रेंड्स में देख रहे हैं आप, मीडियाटेक का 6763 इसका CPU है, जो कि एक 4G हैंडसेट है, और इसमें जो EMMC लग के है SK Hynix की 814। सबसे पहले साइड का ब्लैक जो हार्ड ग्लू होता है, साइड का ग्लू कट करेंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि बोर्ड डैमेज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि नीचे से ट्रैकें जाती है CPU और EMMC के लिए, तो ध्यान रख के आपको साइड का ग्लू कट करना है। ये हार्ड ग्लू होता है ओप्पो का, ब्लेड को खड़ी चलाना है ताकि साइड के जो कंपोनेंट है वो निकले नहीं, और ब्लेड वहीं चलेगी आपकी जहां पे आप हीट मार रहे हो।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईसी उठा लिया है हमने बहुत ही आसानी से। अब बोर्ड यहाँ पे चूंकि गर्म है तो सबसे पहले बोर्ड को ही क्लीन कर लेंगे। वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है आपको, ब्लैक पेस्टेड आईसी कैसे खोलना है, कैसे क्लीन करना है और कैसे आपको एमएमसी को चेंज करना है। एक वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिलता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और हो सके तो ये वीडियो शेयर करना ना भूलें व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह पे, ताकि हमारे दूसरे टेक्नीशियन भाई भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको अच्छे से सीखना है, प्रैक्टिकली करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप करिए और कॉल करके अपनी डिटेल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं ये वाली हमारी एसके एनिस की एमएमसी जो कि हमने अभी 5 MA से निकाली थी, अभी इसको हम लगा रहे हैं बॉक्स में, जो कि हम अभी इसको प्रोग्राम करके वापस से लगाएंगे हैंडसेट में। Okay.
फाइल है तो आप हमेशा जब भी आप फ्लैशिंग कर रहे हो तो ओरिजिनल फाइल से ही फ्लैश किया करें। सर ये जो इमरजेंसी प्रोग्रामिंग है ये सब कुछ बच्चों को क्लास में प्रैक्टिकली कराया जाएगा? यस सर, ये सारे जो चीज़ें मुझे आपके पास जब प्रोसेस बताते हैं, ये चीज़ें कहाँ से डाउनलोड करनी है इसके बारे में बताते हैं, कैसे डाउनलोड करना है, या हम खुद भी अगर हमें वो चीज़ नेट पे नहीं मिल रही है, जैसे कि इसका डम कहीं नेट पे नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट को टेस्टेड डम लेना भी सिखाते हैं, कैसे हमें दूसरे फोन में बैकअप करके रीड करके हम सारे फोन में यूज कर सकते हैं डम, मतलब उसका हमें कस्टमर का डाटा नहीं चाहिए, उसके अंदर का उसका सिक्योरिटी फाइल्स नहीं चाहिए, ये बिना ये सारे बैकअप किए हम एक नॉर्मल टेस्टेड डम भी रीड करके हम इसको टेस्टेड बनाए बैकअप भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, बच्चे बहुत सारे एमएमसी डेड हो जाती है मीडियाटेक में, चेंज नहीं कर पाते, हम लेटेस्ट सेटों में करके बता रहे हैं, और इसका वर्जन भी अगर मैं देखूं यहाँ पे 5.1 वर्जन होगा इसका। एमएमसी का जैसे कि एमएमसी वर्जन है 1.8 बोल के यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, जो कि अभी लेटेस्ट फोनों में सब में वही आती है 1.8 और एमएमसी 5.1। तो ये वाली बच्चे कर नहीं पाते, इसमें अटक जाते हैं, लोगों पे रुक जाता है सेट, तो हम उसको यहाँ पे लाइव करके बता रहे हैं। और ऐसे ही यही नहीं, ऐसे में जितने भी मॉडल मिल जाएंगे आपको, जितने भी अभी भी लेटेस्ट जितने भी फोन आ रहे हैं,
5.1 और 1.8 की जो भी आईसी होगी, इसमें हम सेम मेथड से ही उसको एमएमसी चेंज, तो ये जो एमएमसी चेंज का प्रोसेस है स्टूडेंट साथ में ला सकते हैं कुछ सेटअप अपने साथ? हाँ सर, जितने भी आपके एमएमसी के प्रॉब्लम है, डेड वाले एमएमसी है, प्रोग्रामिंग वाले एमएमसी है, या आपके जो भी हैंग ऑन लोगो फर्स्ट लोगो पे स्टकअप होने वाले फोन है, आप पेस्टेड लाओ, नॉन पेस्टेड लाओ, व्हाइट पेस्टेड लाओ, जितने टाइप के आपके पास पेस्टेड है जो आप निकालने से डरते हैं, वो सारे आईसी हम यहाँ पे आपको लाइव आपके हाथ से ही आपको एमएमसी निकाल के प्रोग्रामिंग करना दिखाएंगे। ये ब्लैक पेस्टेड जो आईसी है, ये सारी चीज क्लास में सिखाई जाती है। पहले आईसी खोलना है, पहले क्लीनिंग करना, पहले स्किल के बारे में बताते हैं आपको, हैंड स्किल की आपको पहले प्रैक्टिकल देते हैं, आप आईसी निकालना लगाना, आपको एक दो दिन के अंदर पूरा प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट बता देते हैं कि कैसे आप तीसरे दिन खुद ही आईसी निकाल के आप खुद ही फिक्स कर सकते हैं। सपोर्ट के बारे में बताइए, बच्चा कोर्स करके जाने के बाद सॉफ्टवेयर के उसको कैसा सपोर्ट मिलेगा? क्लास में वीडियोस वगैरह भी देते हैं, उसके बारे में बताइए। मेरा जब क्लास खत्म होने के बाद पूरे जितने भी हमारी क्लास की वीडियोस होती है रिकॉर्ड, हम यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके स्टूडेंट को भी हम हार्ड डिस्क में पेन ड्राइव में दे देते हैं, साथ ही साथ हम उसको पूरा कोर्स का सॉफ्टवेयर और एमएमसी के कोर्स के पूरे वीडियो, हाँ जितना भी सॉफ्टवेयर से लेके एमएमसी तक का जितना भी वीडियो होगा सारे वीडियो का हम रिकॉर्डिंग करके देते हैं, प्लस साथ में फाइल भी देते हैं, और यहाँ पे आपको प्रोसीजर भी लिखा के देते हैं, प्लस उसके बाद जाने के बाद भी हम उनको टीम व्यूअर से भी सपोर्ट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट जाने के बाद अगर कहीं फंस जाता है, सर हमें बैकअप की जरूरत होती है, तो हम उनको टीम व्यूअर के जरिए से भी आके उनको सपोर्ट देते हैं, और लाइफ टाइम तक हमारा सपोर्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक महीना दो महीने तक आपको सपोर्ट करेंगे, इसके बाद आपको खुद करना, ऐसा नहीं है। आप कभी भी हमें उसके बारे में आंसर क्वेश्चन करिए, हम उसका आंसर देंगे आपको। कभी भी आप फोन लगाइए, हम उसका आंसर देंगे, बट हमारे टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हैं सबका अलग। टाइमिंग जो फ्री टाइम होता है हम उसी में आपके आपको टीम में सपोर्ट करते हैं, और प्लस साथ ही साथ आप कभी भी कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि सर आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं मिला, अगर हम टीम से नहीं दिए तो आपको मैसेज से रिप्लाई देंगे, मैसेज में भी आपको सपोर्ट देंगे जो भी आपका इशू रहेगा, ठीक है। ऑलरेडी बच्चे जाकर के अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे फ्लैशिंग प्रोग्रामिंग हो, और साथ ही साथ हम हर महीना जूम क्लास भी स्टूडेंट को लेते हैं, जैसे कि कभी क्या होता अभी है, चार दिन का क्लास हुआ था हमारा, जिसके अंदर बैकअप हमने पूरा बैकअप क्लास दिया, और हर महीने हम ऐसे तीन दिन चार दिन का क्लास लेते रहेंगे, जैसे कि यहाँ से हर महीना स्टूडेंट जो भी इशू हो जाता है सीखने के बाद, तो हम उसको टीम व्यूअर के जरिए से भी सिखाएंगे, ऑनलाइन क्लास लेंगे, ऑनलाइन हम क्लासेस भी ले रहे हैं हमारे स्टूडेंट के लिए, ये सब सपोर्टेड है हमारे पास। तो क्योंकि क्लास में जब रहते बच्चे को जहन में सारी चीज जाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वापस से उनको रिवाइज करा दिया जाता है कि कौन सा टूल, कौन सा ड्राइवर कब यूज करना है, क्योंकि ऐसे हैंडसेट आते हैं बच्चों के हाथ में तो वो सोचते हैं कि कहीं सेट डेट तो नहीं हो जाएगा, और हमारे पास जो तरीके से सिखाया जाता है उसमें डेट का रिस्क ही नहीं है सॉफ्टवेयर में। बहुत सारे बच्चे गलत फाइल डाल के डेट कर देते, लोगों पे अटका देते सेट को, या तो फाइलों की जानकारी नहीं होती है, फाइल एक एक फाइल के बारे में हम यहाँ पे डीपली बताते हैं कि कौन सी फाइल में हमारा फोन डेड होने के चांसेस होता है और किसमें नहीं होता है, हम एक बार आपको ये सारी चीजें बता देते तो आपको लाइफ में कभी भी डेड रिस्क करने का कोई टेंशन ही नहीं, कभी आपको फोन डेड ही नहीं होगा, ना आपको कभी आप वो चीज गलती से काम भी नहीं करोगे, प्रॉपर नॉलेज होगी तो ही सही काम करते, जरिए से काम करते थे, जो गलत फाइल देके अगर आप वो फ्लैश करके फॉलो करते थे तो आपका फोन डेड हो जाता था, आप वहां पे यूट्यूब में बता रहे हैं कि उसका फोन ऑन हो गया लेकिन हमारा यहाँ फोन डेड हो जाता, तो ये घुमाने वाली काम होती है, सारी चीजें आपको घुमा के बताते हैं। जब तक एक अच्छे इंस्टीट्यूट पे आके आप सीखेंगे नहीं तो काम करना मुश्किल ही है आपका, यूट्यूब पे देख देख के करेंगे तो मुश्किल ही होना। तो यहाँ
जो एमएमसी हम यहाँ पे लगा लिए हैं और अब इसको थोड़ा सा कूल होने देते हैं और उसके बाद इसको चेक करते हैं लगा करके बोर्ड में कि हमारा जो एमएमसी चेंज किए हैं ये सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ, देखते हैं। चलिए, जैसे आपने देखा स्टेप बाय स्टेप हमने बताने की कोशिश की है आपको, ये ओप्पो A83 हैंडसेट है और इसका एमएमसी अभी चेंज करके बताया आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मीडियाटेक का चिपसेट है 6763। ये वो डीसी से ऑन करेंगे इसको, बैटरी इसका पूरा डाउन है, ठीक है। ये सब कुछ सीखना है आपको, एमएमसी प्रोग्रामिंग, एमएमसी चेंजिंग, डेड बोर्ड रिपेयर या फिर सॉफ्टवेयर का काम या फिर हार्डवेयर, सब कुछ आप सीख सकते हैं। फिफ्थ मई से हमारा नेक्स्ट बैच है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हैंडसेट ऑन होते हैं, ओप्पो का लोगो आ चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये इसका ये निकालना चाहूंगा, से लगाना ये स्क्रीन, थोड़ा पत्ता हटा देते हैं इसमें से। चलिए यहाँ पे ऑन होते हुए और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट लोगो आ चुका है और सेकंड लोगो भी आ गया सर। और यहाँ पे हैंडसेट हमारा ऑन होते हुए जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमने ओनली एमएमसी चेंज की है और कैसे कंफर्टेबल एमएमसी ढूंढना है, कैसे आपको प्रोग्रामिंग करना है, ये सब कुछ क्लास में सिखाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।